हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक और स्टार्टर दिखा रही हूँ आपको, जो है वेजिटेबल कटलेट। वेजिटेबल कटलेट के लिए मैंने यहाँ पे सब तैयारी की हुई है और ये एक स्पेशल रेसिपी है जो मैंने मेरी मॉम से सीखा हुआ है। ओके, सो ये मैंने 8 से 10 आलू लिए जिसको मैंने मैश करके रखा हुआ है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है, गरम मसाला, जीरा पाउडर, शक्कर, नमक, अदरक, हरी मिर्च और मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं जो मैंने चॉपर में चॉप करके रेडी करके रखे हुए हैं। मटर मैंने 1/2 कप लिया था, 3 ग्रीन चिलीज और 1 अदरक का टुकड़ा। बाकी मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच बीन्स है, कैरेट है जो मैंने स्क्वायर काटे हुए, यहाँ पे कोरिएंडर, थोड़ा सा रवा, ऑयल टू फ्राई। अब मैं, ये पैन है मेरा, जो पैन के अंदर मैं सबसे पहले मेरे फ्रेंच बीन्स और कैरेट को मैं स्टीम करूंगी। ओके, ये पैन को मैंने हल्का सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है, जस्ट ऐसे। अब मैं, ये मैंने वॉश किए हुए फ्रेंच बीन्स और कैरेट पहले से ही वॉश करके रखे हुए, ये मैं फ्रेंच बीन्स और कैरेट इसके अंदर डाल देती हूँ। मैं स्टीम करने के टाइम पे हमें उसमें चुटकी, मतलब 8-10 दाने शक्कर के और 1/2 टीस्पून नमक डालना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको इसके, ये जो मेरा लिड है वो मैं ढक दूंगी। हमें ध्यान रखना है कि वी डोंट हैव टू पुट सोडा, खाने का सोडा नहीं डालना है। और ये स्टीम इन करके मैंने ये वेजिटेबल्स को स्टीम करने के लिए मेरे ये पैन में रख दिया है। जब तक फ्रेंच बीन्स और कैरेट स्टीम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर देती हूँ। ये बॉइल्ड पोटैटोज है, उसके अंदर मैंने 3 to 4 ब्रेड को मिक्सी में चला के इसका पाउडर बना दिया है और इसको बाइंडिंग के लिए मैंने आलू के अंदर डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, अच्छा खासा धनिया चॉप करके, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर लिया है, सिनेमन पाउडर, यहाँ पे 1 टीस्पून जितना नमक, और या तो फिर आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो कम और ज्यादा। और यहाँ पे मैंने जो मटर, हरी मिर्च और जिंजर का जो मैंने ये चॉपर में चॉप करके रेडी किया हुआ है वो पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने मटर को बॉईल नहीं किया है, ये फ्रोजन मटर थे, कच्चे मटर, वो मैं डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टीम होने आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो वेपर है उसकी पानी से ये वेजिटेबल स्टीम हुए है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंटैक्ट रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसका कलर भी अच्छा आया है, हमने सोडा नहीं यूज किया है फिर भी उसका कलर अच्छा आया है बिकॉज वी हैव यूज्ड शुगर। फ्रेंच बीन्स और कैरेट्स भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैं हैंड का मेरा यूज करके पूरा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब मैं इसको रोल करूंगी। ये इसके ऐसे हमको बॉल बनाने हैं, टाइट करना है, टाइट। अगर आपने फ्रेंच बीन्स और कैरेट को मेरे जैसे स्टीम नहीं किया है, आपने पानी में उबाला है तभी भी चलेगा, पर उसको फिर स्ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने जो मेरे पैन में फ्रेंच बीन्स और कैरेट को स्टीम किया था तो मुझे पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ऐसे अभी इसको रवे से
हम लोग रोल करके यहाँ पे रेडी करेंगे। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हो और ये ओवल शेप भी दे सकते हो। मैं आपको दोनों शेप दिखा दूंगी। ओवल वाला और ये राउंड वाला, ऐसे हम सब रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको राउंड कटलेट्स और ऐसे ओवल शेप में रेडी कर दिए। एंड इट हैज टू बी प्रॉपर लाइक टाइट वंस। तो फिर अभी मैं इसको, तेल एकदम गर्म हो चुका है, अब तेल में मैं स्लोली स्लोली इसको डाल दूंगी। एट अ टाइम दो तीन या चार से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो एट अ टाइम। और अभी इसको हिलाना नहीं है, अपने आप कटलेट्स को होने देना है। ये देखिए मैंने अभी उसको हाथ भी नहीं लगाया और अब मैं निकालूंगी। ये देखिए एक सेकेंड और अच्छी तरह से कटलेट्स हो गई है। आई विल जस्ट रिमूव इट ऑन द टिश्यू पेपर। HCF स्टूडियो हमारा फेसबुक पे पेज है, उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब भी हमारी चैनल है HCF स्टूडियो करके, उसको भी लाइक और शेयर कीजिए। आपके अनुभव मेरी रेसिपीज बनाकर आप हमको शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये मैंने अभी लास्ट बैच मेरा डाल दिया है, ये भी रेडी हो गई है। अब मैं प्लेटिंग कर दूंगी। माय वेजिटेबल कटलेट्स आर रेडी टू सर्व। थैंक यू फ्रेंड्स।